दानापुर के पब्लिक डिपार्टमेंट में उस जमाने में जो गोरे लोग काम करते थे, तो गोरे ऑफिसर के दफ्तर में गोरे ऑफिसर एकदम सुस्त पड़े हुए हैं, बहुत दुखी हैं। उस समय उनका क्लर्क उनके सामने फाइल रख के जा रहे हैं, उनको सब पगला बाबू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि वो पागल की तरह मस्त रहते हैं हरदम, इसलिए उनका नाम ही लोगों ने क्या रखा है, ये पगला बाबू। फाइल रख के जा रहे हैं तो वो साहब देख भी नहीं रहे हैं। पगला बाबू ने बोला कि फाइल देख लो साहब। वो बड़े सुस्त पड़े हैं। पगला बाबू ने वापस बोला फाइल देख लो, सुस्त पड़े हैं साहब। फिर बहुत देर बाद ये चेतर चेता रहे हैं, तो चेतने के बाद कहें आज मन नहीं है बाबा, मैं बाद में देख लूँगा। क्या हुआ साहब बताओ ना। अब लोग पगला बाबू बोले उसको कोई इज्जत देगा? तो वो कहें जाओ जाओ देख लेंगे बाद में देख लेंगे। अरे क्या बात है बताओ ना साहब। तो अंग्रेज साहब बोल रहा है कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है इंग्लैंड में और लग रहा है कि मर जाएगी, मैं ये काम छोड़ के वहाँ चले जाना चाहता हूँ, अब मेरा मन नहीं लग रहा है। तुरंत पगला बाबू बोले अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी साहब। क्या बोले? अरे ये पागल है, कुछ भी बकता हो, पागल है ना, बोलता होगा ठीक हो। अभी मरने वाली ठीक होती है? अरे साहब आप चिंता मत करो, ये ठीक भी होगी, आज ही आपको पत्र लिखेगी, अगले शिपिंग में आपको पत्र मिलेगा और वो टिकट बना के निकलेगी और अगली शिपिंग आवे जब तक वो भी आपके पास आ जाएगी। अरे ये बाबू कुछ भी बोलता रहता है। साहब एकदम सुस्त हुए। जब अगली शिपिंग आई तो एक पत्र आया, जिस दिन ये पगला बाबू बोले उसी दिन पत्नी ने लेटर लिखा है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मैं और भारत के लिए निकल गई हूँ, मैं भारत पहुँचूँगी। साहब ने तुरंत इस क्लर्क को बुलाया, भाई तू ज्योतिष व्योतिष जानता है क्या? एकदम बात सही कहा, जिस दिन तूने बोला उसी दिन मेरी पत्नी ने पत्र भी लिखा और वो ठीक भी हो गई। ये तूने कैसे बोला? रहन दो साहब, मेम साहब ठीक हो गई, इतनी काफी है हमारे लिए और कुछ नहीं करना, बहुत हो गया, आप चिंता छोड़ दो। अब साहब ठीक खुश हैं, जो भारत छोड़ के जाना चाहता था पत्नी के शुभ समाचार सुन के स्थिर हो गए। पत्नी भी आ गई इंग्लैंड से पति के पास, तो साहब को लगा कि क्लर्क से मिला हूँ जिसने पहले ही बोल दिया था कि ये ठीक हो जाएगी। तो अपने सिपाही को बोल के कहा कि क्लर्क को बुलाओ, मेरे को अपनी पत्नी को मिलाना है। तो जैसे ही क्लर्क को बुलाया दफ्तर में, मेम साहब ने उसको देखा तो कुर्सी से उछल गई, बोलती है ये यहाँ कहाँ आए? साहब बोले अरे ये तो क्लर्क है, यहीं रहता है, यहाँ क्या आया, क्या ये यहीं रहता है? अरे ये जिस दिन मैंने पत्र लिखा उस दिन मेरे दफ्तर में मेरे कमरे में था इंग्लैंड में, और मेरे सिर पर हाथ रख के ये बोल रहा था कि चिंता मत कर बेटी, मैं तुझे ठीक कर दिया हूँ, तो जल्दी टिकट बना के तेरे पति के पास जा, वरना वो भारत छोड़ के वापस आ जाएगा। ऐसे इसने हाथ रखा, जैसे ये हाथ रखा आदमी, मेरे शरीर में एक विद्युत चीज जैसी फैल गई और मैं तुरंत ठीक हो गई, उठ के बैठ गई। जब उठ के बैठ के देखूं तो ये गायब हो गया था, ये आदमी था ही नहीं। ध्यान रखना, कोई संत किसी वेश में नहीं होता, किसी ऑफिस का क्लर्क उच्च कोटि की योग सिद्धि पाया हुआ महापुरुष हो सकता है। यही भारत के सबसे प्रसिद्ध बंगाली तीन संत हुए हैं, एक विशुद्धानंद स्वामी, एक लोकनाथ ब्रह्मचारी और एक श्यामाचरण लाहिड़ी जी मासई। इसमें मैं आपको श्यामाचरण लाहिड़ी जी मासई, जो गृहस्थ होकर के जैन संतों को स्वयं शिरडी के साई बाबा ने इनसे दीक्षा लेकर के योग सिद्धियां प्राप्त की, उनकी बात मैं आपके सामने कर रहा हूं।